जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर एक ओर जहां विरोधी दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं, तो सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में ले लिया है। फारूक अब्दुल्ला को उनके श्रीनगर आवास पर ही हिरासत में रखा गया है और उनके आवास को सब्सिडरी जेल घोषित किया गया है। हालांकि इस दौरान अब्दुल्ला अपने मित्र या किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पर आज पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और हम इस वक्त बिल्कुल उनके घर के सामने हैं, जहां पर वो इस वक्त पहले हाउस अरेस्ट थे और अब उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत यहां बंद कर लिया गया है। दरअसल पिछले 42 दिन से वो हाउस अरेस्ट हैं। आप देख सकते हैं इस मकान में जो उनका रेजिडेंशियल हाउस है, बिल्कुल सामने जो है गाड़ी लगी है पुलिस की, उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है और ना ही को किसी को अंदर जाने की अनुमति है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पिछले महीने 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट हैं। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, लेकिन MDMK नेता वाइको के हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से एक दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला पर PSA के तहत केस दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से ऐसा इसलिए किया गया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार को कोई परेशानी न हो। हालांकि फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल MDMK नेता वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को अवैध बताते हुए उन्हें अदालत में पेश करने की मांग की है। PSA के तहत किसी भी शख्स को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। खास बात यह है कि इस कानून को फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान पहली बार लागू किया गया था, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला पर PSA लगाने की राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने को लेकर सवाल उठाए हैं। कि एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? सियासत अपनी जगह, लेकिन सरकार को फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर 30 सितंबर तक का वक्त मिल गया है। अब देखना यह है कि 30 सितंबर को जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब रखेगी तो कोर्ट उस पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।